हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं इरशाद क्रिएशन। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फर को रिमूव कैसे करें। जैसे कि एनिमल्स का हम कटआउट जब भी करते हैं तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम आती है, हेयर्स होते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप मेरे पास ये पिक है, तो सबसे ईजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे रिमूव करें। तो चलिए इसको लेके चले जाएंगे। मैं सबसे पहले हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ से ड्रैग करके। ओके, अभी हमें क्या करना है, पेन टूल से इसका सिलेक्शन बना लेना है ऊपर ऊपर। तो यहाँ से पेन टूल मिल ही जाएगा आपको। चलिए सिलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन बन जाएगा, उसके बाद आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो आपका ये सिलेक्शन बन जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट में। सिलेक्ट में जाने के बाद आपको ये दिख रहा होगा सिलेक्ट एंड मास्क, इसका शॉर्टकट की भी ये है ऑल्ट कंट्रोल आर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको रेडियस दिख रहा होगा, हम इसको बढ़ा देंगे। अब बढ़ाते रहिए, ये देखिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी हद तक कितना सही है सिलेक्शन ले लिया। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं अपने हिसाब से तो आप इसे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मास्क ही दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं एक सॉलिड लेयर ले लूँगा मैं यहाँ से। ठीक है, इसमें अभी मैं कर देता हूँ, चलिए कलर। ठीक है दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा ये बैकग्राउंड थोड़ा यहाँ पे भी आ गया है, थोड़ा सा कटआउट हल्का हल्का। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये जो मास्क लेयर पे क्लिक कीजिए और ये जो है यहाँ से ध्यान रहे ये वाली, ये जो है ब्लैक एंड वाइट, इसमें ऊपर कर दीजिए वाइट को। अब यहाँ से ब्रश ले लीजिए, ब्रश स्टार्ट कर दीजिए अपना। देखिए अब देख सकते हैं ये, ये देखिए। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका है ये, सबसे इजी वे में आप कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।